ये घर में आम का दरख्त है और इस तरह से ये आम जो है वो गिरते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह पड़े हुए हैं, ये उठाएंगे इसको और ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये पूरे दरख्तों में जो है इस जगह पर भी इस तरह से गिरते हैं। ये नीचे पूरा जो है आम का पेड़ है। हम देखेंगे, चेक करेंगे अब इसको कि किस तरह से जो है ये डिफरेंस है दो घर के आम में और मार्केट के आम में। इसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्शन में भी जो है ना ये हमें लगता है। अब ये देखिए, ये पूरा इतना भारी था कि ये देखें, ये भी यहाँ पर गिरे हुए हैं, ये कलेक्ट हुए हैं इस पेड़ से आम। व्यूअर्स, ये वाला आम जो है ये मैंने पेड़ से अभी के उतार के काटा है और ये वाला आम जो है ये मार्केट वाला आम है। तो मैंने अभी इसको पहले से जो काटा जो है कट किया हुआ है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना फ़र्क है दोनों में। अब ये जो है घर का है, ये वाला जो है कितना देखें येलोइश है अंदर से और इसमें मैटर भी अच्छा है, और ये वाला कितना फ़र्क है, ये लाइटिश येलो है। इसका मतलब है कि ये वही केमिकल से जो है ना वो किया हुआ होता है, उसको पकाया हुआ होता है जल्दी काट के जो है। और ये आम जो है घर में कई महीनों बाद जो है ये खुद या तो नीचे गिरता है या फिर ये खुद हम काटते हैं या ऊपर से उठाते हैं। तो ये इसमें मटेरियल का भी काफ़ी फ़र्क होता है कि इसमें देखें मैटर कितना ज़्यादा है, ये अच्छा खासा जो है ना अंदर इसमें मैटर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर इतना मैटर नहीं होता। और इसका टेस्ट भी बहुत फ़र्क होता है, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये पहले से जो काटते हैं और केमिकल से करते हैं तो इसमें इतना टेस्ट नहीं होता इसके अंदर ये वाले। हालांकि इस साइज़ में देखें बड़ा है और ये मार्केट में इसके तकरीबन बराबर है, लेकिन फिर भी ये इसमें वो टेस्ट नहीं होता जो ये घर के जो पेड़ हैं। हालांकि दोनों चौंसा वाले आम हैं, लेकिन ये इस तरह का फ़र्क है दोनों आम में। शुक्रिया। तो और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।